तो, तो स्वागत है आपका टारगेट एस सस्सी टू में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स के बारे में तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ से आपके काफी रूल भी जो है क्लियर होने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है योर एडवाइस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड फ्रेगमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स पुअर ठीक है तो बताना है नाउन का एरर है तो कौन से पार्ट में एरर है ए बी सी डी तो एरर की बात करें तो एरर देखिए जो रूल हमारा रूल नंबर वन फर्स्ट हमारा क्या, क्या कहता है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन जो अनकाउंटेबल होते हैं यानी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनमें जैसे हमारा आता है लगेज आता है उसमें हमारा आता है जैसे सीनरी आता है यानी इनमें ऐसे ये समय ऐड नहीं कर सकते हैं जैसे हमारा आयरन आता है ऐसे हमारा ब्रेड आता है ये नोट करते हुए चलना जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है ऐसे हमारा इसमें वुड आता है वर्क आता है ऐसे हमारा मिससीव आता है इस ऐसी हमारा नॉलेज आता है पेपर आता है तो ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और जिनमें हम एस आई एस ऐड नहीं करना पड़ता है यानी उनमें हम एस आई एस ऐड करके उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते तो ऐसे ही हमारा होता है एडवाइस तो एडवाइस भी हमारा क्या है अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें हमें एस आई एस जो है ऐड नहीं करना है ठीक है दूसरा रूल क्या कहता है इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते यानी ए और एन का यूज़ इनसे पहले हम नहीं करते हैं अगर हम इनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे तो ये फिर बन जाएंगे हमारे काउंटेबल, जो कि हमारा गलत है तो आट हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन में यानी एडवाइस नहीं होगा एडवाइस होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है ऐसे ही एस हमारा नहीं लगता है एरर नंबर सेकेंड ही हैज़ बॉट अ डजन कॉपीज ऑफ स्टोरी बुक्स विच आर वेरी पॉपुलर एमंग द चिल्ड्रन खाली नाउन का एरर देखना नाउन देखना आपको कौन सा नाउन जो है गलत लिखा हुआ है उस चीज को तो ए बी सी डी बताना है कौन से पार्ट में एरर है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो प्लुरल सिंगुलर प्लोअर दोनों फॉर्म जिनका सेम रहता है जैसे हमारा डियर होता है ऐसी हमारा शिप होता है ऐसी हमारा स्पीसीज होता है ठीक है स्पीसीज होता है ऐसी जैसे हंड्रेड हो गया ऐसी हमारा डेटा हो गया ठीक है कहीं पे डेटम करके लिखा हुआ था है, इसका सिंगलर फॉर्म ऐसी स्कोर हो गया और ऐसी हमारा सीरीज हो गया ठीक है और इसी में हमारा एक आता है डजन जो कि हमें डजेंस नहीं होता क्या लिखते हैं हम डजन यूज़ करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो डजेंस है वो हमारा रॉन्ग है क्या यूज़ करना है डजन ही यानी इन्हें सिंगुलर और प्लूलर दोनों फॉर्म इनका सेम रहता है ठीक है और डजन काफीज यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हमारा हो जाएगा बाकी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड नाउन में जो भी मैंने बताया यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड वो आपको नोट करना है डी हो गया सिप हो गया स्पीसीज हो गया सीरीज हो गया हमारा स्कोर हो गया तो ये सभी हमारे क्या होते हैं ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूलर दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं रूल नंबर थर्ड हिस कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री ठीक है बताना ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है रूल नंबर थर्ड ये होता है अगर हमारा वन ऑफ आता है ठीक है ईच ऑफ आता है एनी ऑफ आता है आइदर ऑफ आता है नाइदर ऑफ आता है इससे हमारा जो नाउन कनेक्ट होगा वो हमेशा होगा प्लूरल फॉर्म का यानी प्लूरल नाउन इनसे हमारा कनेक्ट होगा ऐसे यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है वन ऑफ़ द्यू कंपनी नहीं यूज़ करना पड़ेगा हमें कंपनीज़ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कंपनीज़ क्योंकि रूल हमारा कहता है वन ऑफ़ एनी ऑफ़ ईच ऑफ आईदर ऑफ़ नाइदर ऑफ़ इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करता है क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा में से हम किसी एक को सिलेक्ट हैं ठीक है बहुत सारों में से किसी एक की बात करते हैं तो बहुत सारों यहाँ पे हमेशा ये प्लुरल फॉर्म का नाउन यहाँ पे यूज़ होता है तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगा बाकी एक्स्ट्रा मैंने जो भी यहाँ पे बताया उस चीज़ को भी नोट करना है कि, कि किसके साथ और कौन से वर्ड होते हैं जिनके साथ हमें प्लूरल नाउन यूज़ करना पड़ता है कोई भी एरर में अगर मिस डाउट uh, रहता है तो उस चीज़ को पूछ सकते हैं आप यहाँ पे कहीं पे भी आप कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हैं बाकी उस चीज़ को पूछने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पी होती है वो मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ एग्जाम के लिए जो भी आप मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स पी तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी हो तो वहाँ पे भी तीनों जगह आपको मिलेगा जो नाम होगा टारगेट एसएससी 2020 करके तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो कोई भी कोई आपका हो होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हो या उस चीज को वहाँ पे क्लियर कर सकते हो बाकी कमेंट में अपना जो भी डाउट है उस चीज को पूछ सकते हो तो वहां पे भी वो चीज क्लियर हो जाएगा बात करते हैं एरर नंबर फोर्थ क्या कहता है लास्ट वीक्स है ए बी सी डी बताना कौन से पार्ट में एर है आइदर और की कंडीशन अगर आती है नैदिन और की कंडीशन अगर आती है नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन आती है बहुत सारे ऐसे हमारे आ, क्या बोलते हैं कंजक्शन होते हैं जो एक साथ पेयर में आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन तो इन सब के साथ हमेशा दो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे ऐड होंगे जैसे आयदर महेश दूसरा यहाँ पे तेजा ऐड है तो जिसके वर्ब पास यानी आप डायरेक्ट याद कर लो कि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है तो तेजा यहाँ पे क्या है सिंगुलर बता रहा है तो यहाँ पे वर नहीं आएगा क्या आएगा वॉच आएगा बहुत सारी जगहों में यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट देता है तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब यूज करेंगे बट तेजा के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वर् की जगह वॉच ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक हो जाएगा बाकी एक्स्ट्रा जो भी मैंने यहाँ पे रूल बताया उस चीज को नोट करना है एर नंबर फाइव माई ब्रदर इन लॉज हु बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद ए बी सी डी बताना कौन से पार्ट में आता है देखिए बहुत ज़्यादा आता है जैसे सिस्टर इन लॉ सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ मदर इन लॉ फादर इन लॉ तो ये सब जैसे कंपाउंड नाउन होते हैं इनमें अगर इनका हमें अगर प्लूरल फॉर्म चाहिए सिस्टर इन लॉ सन इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ इन सब का अगर प्लूरल फॉर्म चाहिए तो प्लूरल फॉर्म वाला हमेशा फर्स्ट वाले में हम एस यूज़ करेंगे यानी ब्रदर्स इन लॉ हमारा राइट right हो जाएगा ना कि लॉज में एस यानी फर्स्ट वाले में हमें एस यूज़ करना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ सनस इन लॉ मदर्स इन लॉ फादर्स इन लॉ ऐसे यूज़ करना पड़ेगा हमें ठीक है तो ब्रदर्स इन लॉ यहाँ पर यूज़ करना पड़े ब्रदर्स इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ बहुत काफ़ी यूज़ करते हैं तो इसलिए इस चीज़ को डायरेक्ट याद करना कि फ़र्स्ट वाले में हमें एस एस फॉर्म यूज़ करना है तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर वन में मिस्टेक माय ब्रदर्स इन लॉ हो लेव इन मुंबई ठीक है लेव यहाँ पे प्लोरल है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आए तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ब्रदर्स इन लॉ इसका राइट right हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर ठीक है तो सो देयर टेस्ट टेस्ट यानी बता रहा है प्लूरल फॉर्म को उनके देयर टेस्ट मतलब बता रहा है प्लूरल फॉर्म को तो वेरी फ्रॉम ठीक है डिफरेंट है सभी इंडिविजुअल्स क्या है डिफरेंट है और जो उनके टेस्ट हैं वो एक दूसरे से क्या है एक दूसरे के टेस्ट से बिल्कुल अलग है तो यहाँ पे हमें दोबारा अगर हम टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिपीट हो जाता है तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लूरल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा वन अनदर्स यूज़ करना पड़ेगा वन अनदर सो देर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर्स तो उनका जो टेस्ट है वेरी फ्रॉम यानी अलग है ठीक है और एक दूसरे के टेस्ट से बिल्कुल अलग है, कि है हमें यूज करना पड़ेगा एच अदर्स के साथ हम यूज कर सकते हैं वन अनदर्स के साथ हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर अनदर के साथ एपोस्टॉफी एस यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगा एर नंबर सेवन क्या कहता है ही लुक्स मोर डिप्रेस देन हर बट आई डोंट नो द रीजन बताना है कौन से पार्ट में एरर है ही लुक्स मोर डिप्रेस देन कंपेयर हो रही है कंपेयर बता रहा है कंपेटिव डिग्री यूज़ कर रहा है यहाँ पे देन यानी टी एच ए एन वाला कंपेयर हो रही है कंपेयर हो रही है तो दो सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की कंपेयर होगी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंपेयर होगी अब यहाँ पे ही की कंपेयर हो रही है किससे हर से ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ कर रहा है बट हर इन्होंने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट यूज किया तो यहाँ पे हर की जगह भी हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा क्योंकि ही की कंपेयर किससे होगी सी से होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा सी का ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक हो जाएगा हर यूज़ नहीं करना पड़ेगा सी यूज़ करना पड़ेगा रीज़न मैंने बता दिया कंपेयर हो रही है ही की सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से आप करोगे दोनों कंपेयर का मतलब ही क्या होता है दोनों इक्वल होने चाहिए तो यहाँ पे सी का यूज़ करना पड़ेगा एरर नंबर आज का एट हमारा क्या कहता है लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम अवर वी लव्ड फ्रेंड नो एर बताना वन टू टिप और कौन सा पार्ट में जैसे हम बोलते हैं काफ़ी वर्ल्ड आपने सुना होगा लेटेस्ट प्ले ठीक है खेलते हैं लेटेस्ट प्ले लेटेस्ट प्ले डायरेक्ट इस वर्ल्ड इस में लाइन से ही याद कर लो लेटेस्ट अस हमारे क्या है वी का ऑब्जेक्टिव केस है यानी कभी भी अगर लेट हमारा यूज होता है और लेट के साथ हमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा तो हम कौन सा केस यूज़ करेंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस हमारा यू होता है बट यहाँ पर आई क्या है सब्जेक्टिव है हमें क्या यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मी लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बी लव फ्रेंड ऑप्शन नंबर वन में मिस्टेक है लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं और लेट एस प्लीज से आप यूज़ कर याद कर सकते तो इजी इजी से से ठीक है इजी तरीके से आप याद कर सकते हो कि लेट के साथ हमेशा है। तो वन में क्या पर हो जाएगा नाइन नंबर का क्या कहता है इन टूडे मीटिंग प्रॉब्लम मीटिंग आज की मीटिंग में क्या यूज करोगे आज की मीटिंग में ठीक है कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा एपोस्ट जो एस यूज करते हैं हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं बट कहीं कहीं पे इसे हम नॉन लिविंग पे भी यूज़ करेंगे जैसे हमारा ले आप यूज़ करोगे जैसे वीक्स अब यूज़ करोगे वीक्स ठीक है वीक्स बोलते हैं ना वीक्स ठीक है और उसके बाद एक हफ्ता बाद ठीक है आप यूज करते हो वन अनदर्स में जैसा हमने यूज़ करा यहाँ पे भी हमने एस यूज करा था उसके बाद आप बोलते हो द अर्थ स्पेयर बोलते हो ठीक है द अर्थ्स स्पेयर यहाँ पे भी अपोस्टोफी यूज किया है उसके बाद एक टन वेट जो होता है अटन्स वेट आप बोल सकते हो अटर्न स्वीट तो अपोस्ट यूज़ का हम यूज़ अपोस्ट एस का हम यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए बट वो कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है ऐसे हम टू डेज़ मीटिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे ठीक है तो बोलने का भी है कि हम टाइमिंग में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ठीक है टाइम को अगर इंडिकेट करना है तो उस चीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं अपोस्ट ऑफियस का तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इन टू डेज़ मीटिंग ठीक है क्या हो जाएगा इन टू डेज मीटिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट right हो जाएगा यानी आज की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या करने के लिए प्रॉब्लम है वन बाय वन थ्रेस आउट करने के लिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन में इन टू डेज मीटिंग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है द कोर्स प्रोवाइड नॉट ओनली थोरटिकल इनपुट बट ऑल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बताने वन टू थ्री फोर कौन से पार्ट में मिस्टेक है तो मिस्टेक हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन में और ऑप्शन नंबर वन में क्या मिस्टेक है द कोर्स हमारा बता रहा है सिंगुलर नाउन को ठीक है द कोर्स क्या है सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमारा क्या यूज करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना पड़ेगा प्रोवाइड हमारा क्या है प्रोवाइड हमारा बता रहा है प्लूरल फॉर्म को इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा प्रोवाइड्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ठीक है प्रोवाइड्स ठीक है ऑप्शन नंबर वन में प्रोवाइड की जगह में प्रोवाइड्स यूज करना पड़ेगा Question number 11. If the teacher is good, the students will respond positively to them. No error. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. If the teacher is good, the students will respond positively to them. इफ़ द टीचर इस गुडा का टीचर सही होगा तो रिस्पॉन्स जो होगा स्टूडेंट का उनके लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है अब टीच रिस्पॉन्स टीच स्टूडेंट जो रिस्पॉन्ड करेंगे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा किसके लिए होगा टीचर के लिए होगा और टीचर हमारे क्या है यहाँ पे एक सिंगुलर है ठीक है टीचर क्या है सिंगुलर है तो सिंगुलर है टीचर तो यहाँ पर क्या आएगा देम नहीं आएगा देम के जगह क्या आ जाएगा हिम यूज़ करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ही टीचर की बात रहा है ना कि बहुत सारों की बात कर रहा है सिंगुलर कर यूज़ करना पड़ेगा टीचर के लिए तो क्या यूज़ करेगा ना तो देम की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें हिम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिस्पॉन्स उनका जाएगा टीचर को और टीचर हमारा बता रहा है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म को ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा दैम की जगह हमें हिम यूज़ करना पड़ेगा यानी राइट हो जाएगा इफ़ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू हिम ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

रेडिकल चेंज ठीक है रेडिकल चेंज हमारा बन गया क्या सिंगुलर जब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो गया तो वह भी हमारा क्या आ जाएगा सिंगुलर आएगा सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे जो आर यूज किया है आर की जगह क्या यूज करना पड़ेगा इसका यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक हो जाएगा रेडिकल चेंज हमारा बता रहा है सिंगुलर फॉर्म को सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर आएगा तो इज नेसेसरी बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन मोहन हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटर्न फॉर इस कॉन्फ्रेंस बताना ए बी सी डी कौन से पार्ट में आ रहा है मोहन हैज कलेक्टेड एंड हैोहन हैज कलेक्टेड मोहन ने सभी जो है जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से उन्हें कलेक्ट कर चुका है और वो एक अच्छा पेपर लिख रहा है किसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए अब यहाँ पे पेपर लिख रहा है कौन मोहन अब मोहन क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव यूज़ क्यों कर रहा है यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा हमारा हैज़ यूज़ कर रहा है क्योंकि ये हैव किसके लिए आए मोहन के लिए आए और मोहन क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा है? हैज़ यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है हैव की जगह में हैज़ यूज़ करना पड़ेगा हैव यूज़ नहीं होगा क्योंकि मोहन की बात कर रहा है और मोहन ही यहाँ पे एक अच्छा पेपर लिखेगा तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज़ यूज़ होगा एरर नंबर फोर्टीन क्या कहता है मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी ठीक है बताना है ए बी सी डी कौन से पार्ट में आ रहा है यहाँ पे आंसर भी आपको मिल चुका है ठीक है आंसर बी ठीक है यहां पे ये यह आ गया बट यहां पे बताना है ए बी सी डी अब यहां पे बी आंसर क्यों आया ये इंपॉर्टेंट है देखिए मैनी हमारा बताता है अगर मैनी हम यूज करते हैं तो मैनी हमारा बताता है प्लूरल फॉर्म को तो इसके साथ वब भी हमारा प्लूरल आता है बट एक, ए, एक ऐसा केस होता है जिसमें हम मैनी के साथ सिंगुलर वब भी यूज करते हैं वो क्या होता है अगर हम मैनी के बाद मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं फिर हम कोई नाउन यूज़ करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा क्या सिंगुलर क्योंकि ए और एन किसी भी चीज़ को क्या बना देगा सिंगुलर बना देगा और सिंगुलर बनाएगा तो यहाँ पे वब भी हमारा क्या आएगा सिंगुलर आएगा तो मैनी अ मैन ये हो गया सिंगुलर और वब भी हमारा क्या आएगा सिंगुलर तो हैव नहीं आएगा हैव की जगह क्या आ जाएगा हैज़ बीन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसलिए हमारा रॉन्ग था एरिया नंबर फिफ्टीन क्या कहता है द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड क्लास अंडर द प्रजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ए बी सी डी बताना कौन से पार्ट में आ रहा है द अनस्किल्ड क्लास द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स बता रहा है क्या सिंगुलर बता रहा है क्या है ये सिंगुलर नाउन हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया एक टाइप से है ना सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया पूरा क्या द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स तो पे सिंगुलर ये हो गया तो यहां जगह क्या आएगा हमारा इज इज द मोस्ट एक्सप्लोसिट क्लास अंडर द प्रेजेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक आर की जगह इज आएगा क्यों क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्या है द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स हमारा क्या हो गया सिंगुलर हो गया तो यहां पे आर नहीं बल्कि इज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एरअ नंबर सिक्सटीन हमारा क्या कहता है आई आइश I saw the accident, but fortunately I did not have to give evidence as there were a large number of our evidences. बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर है ये वाला आई saw द एक्सीडेंट मैंने एक्सीडेंट देखा था बट फॉर्चुनेटली बट दुर्भाग्यवश क्या हुआ आई डिडेंट हैव टू गिव एविडेंस मैं कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया था एज there were वर द बल्कि वहाँ पे क्या थे वहाँ पे बहुत सारे एक लार्ज नंबर में दूसरे भी क्या थे एविडेंसेस थे नहीं अब वो एविडेंस उसने एक्सीडेंट देखा था लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं दे पाता लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे क्या थे यानी वो क्या कह रहा है उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग थे यानी उन चीज़ को वहाँ पे एविडेंसेस नहीं थे उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उनके लिए एविडेंस यूज़ नहीं करना पड़ेगा एक पर्सन के लिए हम एविडेंस यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर एविडेंस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं विटनेस का क्या विटनेस का यानी उसके अलावा वहाँ और भी विटनेस थे ठीक है वो अकेला उसने अकेले ने एक्सीडेंट नहीं देखा था उसके अलावा बहुत सारे और थे जिन्होंने एक्सीडेंट देखा था यानी बहुत सारे और पर्सन भी थे तो यहाँ पे एविडेंसेस नहीं आएगा उनके लिए हमें विटनेस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगा कोई भी पार्ट में कोई भी एरर में आपको लगता है यहाँ पे डाउट होता है तो उस चीज़ को आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हो बाकी अपना स्कोर जो भी आपका इस वीडियो में यहाँ पे स्कोर हुआ आपका वो चीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा स्कोर आप बताते हो तो ये लगता है कि इससे पता चल जाता है कितने लोग भी सीरियस होकर वीडियो देखते हैं और इस चीज़ से थोड़ा एक मोटिवेशन मिलती है तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए बाकी मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की और धन्यवाद